आज हम लोग शोल्डर लिए थे और शोल्डर लेकर मज़ा भी आया। अच्छा अबे रोप छूट गया यार। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? तो सुबह तो हो गया और मैं उठ भी गया हूँ और बजने वाला है अभी 4:40 और अंधेरा थोड़ा थोड़ा ख़त्म हुआ है और थोड़ा बहुत है अभी। तो अच्छा थोड़ा सा जल्दी उठा हूँ आज तो अच्छा लग रहा है। तो मैं भी जाने वाला हूँ डिमना लेक और रनिंग करते हुए आ जाऊँगा लेकिन आज पूरा ग्राउंड तक रनिंग नहीं करूँगा, मैं सोचा हूँ थोड़ा सा पहले ही। तो ये पर्नव के साथ मैं डिस्कस करूँगा और फिर आपको आगे बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ नीचे क्योंकि पर्नव अभी आने वाला है। तो पर्नव आने से पहले नीचे जाना ज़रूरी होता है क्योंकि फिर उसको वेट कराना सही नहीं लगता और फिर वेट करता है, मैं नीचे जाता हूँ तो वो सही नहीं लगता, तो इसलिए पहले चले जाना है। और अभी पहाड़ देखना आप कितना अच्छा लग रहा है बादल से। फ्रेंड्स पहाड़ देख रहे हो कितना मस्त दिख रहा है ना, अभी आज बादल उतर रहा है पहाड़ पे तो। और आज अंधेरा थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि आज 4:30 ही हुआ है। तो फ्रेंड्स हम लोग डिमना लेक तो पहुंच गए हैं, हम लोग कर रहे थे रनिंग लेकिन 1600 मीटर कंप्लीट करने में आज हम लोग को लगा 7 मिनट लगा, बहुत ही ख़राब, जो कि सोच के मेरे को बेकार सा लग रहा है क्योंकि मैं पहले घाटी कंप्लीट करता था 5 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 6 मिनट होता था और 7 मिनट हो गए, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है। कल सोच रहा हूँ कुछ तो करूँगा अच्छा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो फ्रेंड्स पर्णव अभी सामान निकालने के लिए पहुँच गया है पेटी के पास और मैं भी सोच रहा हूँ कुछ लेके चले जाऊँ और भी लेके चल जाएंगे भाई। तो आज रनिंग तो अच्छा से हुआ नहीं, ख़राब हुआ टाइमिंग, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है। पर्णव से पूछते हैं, पर्णव तुम बताओ रनिंग करके कैसा लगा? आज भाई हम रनिंग उतना पहले ही मेरा मन नहीं था करने का, फिर भी कर लिए, फिर मेरे को कुछ नहीं लग रहा। अच्छा इसका अच्छा, जैसे बच्चा लोग कोई पढ़ता नहीं है और एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो उसको टेंशन नहीं होता, और जो थोड़ा पढ़ता है और फेल हो जाता है फिर भी तो उसको बहुत टेंशन होता है। वही हाल है मेरा, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट हो गया और पढ़ना सामान लेके जा रहे हैं अब, और मेरा भी वारी आ गया, मैं भी कुछ लेके जाऊंगा और फिर उसके बाद ग्राउंड में प्रणाम करने के लिए वो दोबारा आना है क्योंकि सामान रखने से पहले हम लोग नहीं करते सामान, मतलब ऐसे प्रणाम करेंगे फिर उसके बाद घर जाएंगे। और आज लेट भी हो रहा है तो फटाफट करेंगे, 6:30 तो ऑलरेडी हो चुका है, हम लोग को जाना था पहले 6:15 में ही जाना था, हमेशा लेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स सामान हो गया पैक, अब ग्राउंड जाने का बाड़ी है थोड़ा सा। आज हम लोग शोल्डर लिए थे और शोल्डर लेकर मज़ा भी आया, रनिंग तो अच्छा से हो नहीं पाया था लेकिन एक्सरसाइज करके मज़ा आ गया। बस अब बारी है घर जाने का, तो बस अपना अंतिम काम करते हैं। अच्छा अबे रोप छूट गया यार। तो फ्रेंड्स आज रोप बाहर ही रह गया, इसको डाल देंगे अंदर नहीं तो फिर लाने का झमेला हो जाएगा। डाल दे भाई प्लीज, उधर रखेगा तो ले मोड़ के रख दे, पूरा अच्छे से लपेट दे। तो फ्रेंड्स हम लोग रोप अभी छुपाने वाले हैं, पेटी खोलने का इच्छा नहीं हो रहा क्योंकि 3-3 ताला खोलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग रोप भी छुपा दिए, एक्चुअली छुपाए नहीं, हम लोग वापस से पेटी में डाल दिए क्योंकि थोड़ा सा मन में रह जाएगा ना कोई ले लेगा, इसीलिए हम लोग एकदम 100% सिक्योर कि कोई नहीं लेगा। तो बस जय भवानी, मिलेंगे कल, बाय बाय ग्राउंड चलो।
तो बस आज का वीडियो इतने रहेगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कर देना यार, क्योंकि मेरे व्यूज़ नहीं आते और थोड़ा सा शेयर करना तो बनता है, क्योंकि मैं बहुत दिन से आपको कभी बोला भी नहीं शेयर वगैरह करने। तो ठीक है, तो बस इतना ही। जय हिंद, बाय बाय। बाय बाय, जय हिंद।